हेलो गाइस, मेरा नाम है किशन। तो गाइस आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आपको लग रहा हो कि मैं क्रिएटिव मोड में क्यों, सर्वाइवल मोड में क्यों नहीं हूँ। गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक विलेज जो जिसके अंदर हमारे विलेजर्स रहेंगे। तो गाइस आज का वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस आपको पता होगा कि हमने पिछले एपिसोड में इंटरनेट टेबल बनाई थी, उससे भी हमने अपने साइट टूल्स अपग्रेड कर लिए थे तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर देना। अरे क्रीपर कहाँ से आया, भागो भागो। अरे एक मिनट, मैं तो सुपरमैन की थोड़ी पावर उधार ली है, तो मुझे से क्या डरना। ये चल तू भाग, डर नहीं सकता मुझे। मैं डर गया था। गाइस अभी मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन अब से वीडियो जल्दी आएगी। तो गाइस आज हम लोग अपने प्लेयर्स के लिए बहुत ही बड़ा आलीशान सा घर या अरे यार मेरा मतलब बहुत ही आलीशान सा विलेज बनाने वाले हैं, जो कि ना आपने कभी देखा हुआ और ना आपने कभी बनाया हुआ। तो वो विलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर देना। तो चलो तो गाइस हम लोग टाइम बर्बाद किए बिना ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। चलो यहाँ से एक यहाँ पे लगा देते हैं, घर छोटे होंगे लेकिन वे ज़्यादा अच्छा और मॉडर्न होगा। तो गाइस मैं बताता हूँ कि मैंने वो वर्ल्ड क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस वर्ल्ड में मुझे खाने पीने की कमी होती जाती थी। वहाँ पर भैंसें आती थी, उनको मुझे मारना पड़ता था, लेकिन अब उसकी कुछ कमी होने नहीं वाली, क्योंकि अब हम यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक वीट फार्म भी बनाने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में भी बना सकते हैं, हर वीडियो में बना सकते हैं, इसलिए आप प्लीज़ लाइक करते ही रहना। एक ऐसे कर देते हैं, तो ये तो उनका लावा का पूल बन जाएगा। क्या इतना ही था? हाँ, लावा का पूल बन जाएगा। और क्या होगा, लगता है मैं स्ट्रक्चर भूल गया। हाँ यार मैं स्ट्रक्चर भूल गया। अरे यार नहीं नहीं मैं स्ट्रक्चर नहीं भूला। हाँ स्ट्रक्चर नहीं भूला मैं। ये एक यहाँ पे लगा दो। चलो भाई कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। गाइस हम लोग फार्मर का हाउस, लाइब्रेरियन का हाउस, सब का हाउस बनाने वाले हैं। और हम लोग कोई ग्लास नहीं लगाएंगे, बल्कि ये लगाएंगे ट्रैप डोर। गाइस आप लोग कि ये मैं तो सर्वाइवल में भी तो बना सकता हूँ, लेकिन पर मुझे क्रिएटिव में ये भी बनाना है, क्योंकि अभी मैं सर्वाइवल में बना नहीं सकता। अभी तक मेरे पास इतना सारा सामान भी नहीं आ सकता कि इतनी जल्दी मैं इतना सारा चीज़ें बना डालूँ। तो भाई अपनी अभी जल्दी से बनाना, बातें बिना किए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आप प्लीज इसके लिए लाइक जरूर कर देना। अरे यार ये क्रीपर मेरे यहाँ पे मंडरा है, काम को तो जला दूँ कि मेरे घर के पास ही मेरा घर जल जाएगा। जैसे दूर जाएगा ना वैसे ही मैं से जिंदा जिंदा जला दूंगा। एक ऐसा मैंने ये स्ट्रक्चर बहुत पहले से सोच रखा था, जब वीडियो बनाने से पहले सोच रखा था कि मैं विलेज कुछ ऐसा ही टाइप का बनाऊंगा। और मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ ना वो बड़ी बनाता हूँ, छोटी चीज़ मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता। और देखो गाइस कुछ इस तरीके का ऐसा बन जाता है। अरे यहाँ से ये आ गया, जला दो, जल गया। ये दबा दूँ क्या? अरे यार नहीं, इसने तो यार क्या गाय की धोखेबाज कीपरों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसने मेरा देखो कितना मस्त लैंड हाउस बिगाड़ दिया। अच्छा हुआ कि वो अंदर का बैर भी खराब नहीं हुआ। चलो ये भर देता हूँ जमीन, अंदर से भरने की जरूरत नहीं है, बाहर से भर देते हैं तो बाहर से अच्छा लगेगा। चलो भाई लैंडर ले लो। ओ यार वो क्रीपर मेरा हर बार काम बड़ा खराब कर देता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ ट्राई मत करना। वो जो क्रीपर है वो धोखेबाज है, आपको हमेशा फंसाता रहेगा,
इसलिए आप उसकी बातों में मत आना, बहकावे में भी मत आना, क्योंकि आपने जैसे उसका कुछ कुछ आता है, आपने जैसे उसको क्लिक किया वैसे ही वो फट आया, जैसे कि सब रैवल में फट जाता है। तो आप यार यार कहाँ गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वो भैया। यार मेरे को इसका नाम याद नहीं आ, लेकिन आपको पता होगा कि मैं किसका गाना आ रहा हूँ। और आपको अभी पता नहीं चल रहा है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ, अरे यार जो हमको, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। ऐसा बनाऊं तो सही रहेगा क्या? चलो भाई ऐसा कर दो, तो ऐसा विलेज तो कहीं भी हमें नहीं मिलने वाला है, तो ये विलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप प्लीज़ लाइक यूज कर देना। और गाइस मैं बता दूं कि मेरे को अभी लाइक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, और ये हमारा सब्सक्राइबर से इसका बहुत छोटा वीडियो है, क्या नहीं तक की जब पाइए फिफ्थ वीडियो है, इतना बन जाता है। अब स्टेयर्स ले लो, स्टेयर्स है, अरे बाप रे इतने सारे स्टेयर्स, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आज उस क्रीपर को तो हमने जान से जिंदा जला दिया, और उस क्रीपर की आत्मा के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो क्रीपर ने हमारा नुकसान भी तो किया है, उसकी भरपाई कौन भरेगा। पूपी लगा देता हूँ, गाइस अगर हम लोग क्रीपर को फ्रेंड बना सकते हैं आप कमेंट करके बताना कि हम लोग क्रीपर को फ्रेंड बना सकते हैं, वो हमारा फ्रेंडली क्रीपर हो सकता है। अगर वो फ्रेंडली होगा तो, लेकिन वो फ्रेंडली होगा लेकिन हम फ्रेंडली नहीं होंगे, क्योंकि उसने हमारा इतना घाटा जो कर दिया है। एक तो यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे डोर होगा, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं यार, लगा क्यों नहीं पा रहा। थोड़े से यहाँ पे लगा दो, अरे भाई तो पूरे घर को रोशनी दे रहे हैं, इसके लिए मुझे लैंप लगानी जरूरत नहीं है। अब लोग इस लेयर के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले, थोड़ा सा ही खर्चा करेंगे, एक वाइट बेड डाल दो जो सर्वाइवल मोड में तो हाल ही बन जाता है, और एक क्राफ्टिंग टेबल डाल दो, बेचारा हमारे लिए टूल्स बनाएगा, उसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं कर सकते। ये डाल दो, यहाँ पे एक डोर लगा देंगे मस्त वाला, और एक ओवन रख देते हैं, एक फर्निस रख देते हैं, फर्निस और ओवन। चलो गाइस इसका तो घर रेडी हो गया, बस लाइटिंग बाकी है, और टॉर्च है तो गाइस बहुत सस्ती लगती है, इसलिए मैं ये लैंप ही यूज़ ज़्यादा से करता हूँ। आपने मेरे हर वीडियो में लैंप ही देखा हो, लैंटर्न ही देखा हो, कि लैंटर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और चीज़ जो कि हर विलेजर के, अरे यार जो विलेजर हमें जो देता है ना तलवार वलवार, उनके पास तो ये होता ही है जो इसके, तो आपको ये घर देखकर तो पता चल गया होगी किसका घर है। चलो अगर आपको पता नहीं चला है तो मैं बता देता हूँ, ये उस, अरे यार चलो बोल देता हूँ, लोहार का घर है जो हमें तलवार बना के देता है, जैसे कि कुछ जिसके सिर पे कुछ लगा रहता है और गंदे कपड़े पहनता है, जो हमें जिसके घर में हमें कोई वो बनता। चलो यार उसकी बात छोड़ते हैं, वो तो बाहर में जाएगा, जल्दी से हम लोग अपने लिए एक वो बना लेते हैं, लाइब्रेरियन का घर, लाइब्रेरियन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए तो हमें घर बनाना ही पड़ेगा। चलो एक यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से बनाऊँ क्या, हाँ, और लाइब्रेरियन का घर ज़्यादा आलीशान भी है होने वाला है।
क्योंकि लायन के घर के लिए हम लोग कोई भी कैसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेचारा एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पढ़ाकू होता है उसका, जो बेटे होते हैं वो भी बहुत पढ़ाकू होंगे, जब वो पढ़ पढ़ लिखेगा उसके पढ़, अरे यार हाँ उसके पढ़े और लिखे बेटे भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ। और हाँ हाँ मेरे को एक आइडिया आ गया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे ऐसे। वाह यार ये तो मस्त लग रहा है, क्लास से भी मस्त लग रहा है। एक यहाँ पे लगा दो। तो ऐसे शानदार विलेज के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर ही देना, वैसे मेरे वीडियो पे बहुत कम लाइक मिल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं। अरे हाँ मैंने उसके लिए दरवाज़ा लगाया नहीं, लगाया मैं भूल गया दरवाज़ा लगाना, यहाँ लगाएंगे हम लोग दरवाज़ा ऐसे। हाँ भाई ये बन गया मस्त घर। लैंटर्न ले लो, लैंटर्न तो हमें बहुत रुचि पड़ता है, इसे ही ले लेते हैं। चलो ये लगा दो। तो भाई इतना तो बन चुका है, अब यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। तो भाई इस बार तो हमने माइनक्राफ्ट के अंदर दिवाली बनाई नहीं, बाकी यूट्यूबर्स ने तो बनाई होगी लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाई। तो गाइस अगली बार जो वीडियो, अगर अरे यार अगली बार जो दिवाली आएगी ना हम लोग उसमें बनाने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमें दिवाली भी बनानी है। और गाइस हमने रियल लाइफ में तो दिवाली बनाई है लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर ही नहीं बनाई, इसलिए हम लोग जब अगली दिवाली आएगी तब तक हम लोग ये वाली चीज़ स्टार्ट रखेंगे और तब बनाएंगे हम लोग दिवाली। और माइनक्राफ्ट के अंदर दिवाली तो हम लोग फायरवर्क्स भी छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन अभी उसके बारे में छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उसके लिए एक साल भी पड़ा है। और गाइस ये वर्ल्ड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कभी कभी तो ऐसा लगता है ऐसे यहाँ पे कभी कोई वो आते ही नहीं है जैसे कि ज़ॉम्बीज। हाँ गाइस जैसे मैंने बहुत बार देखा कि यहाँ पे कभी कभी ज़ॉम्बीज आना बंद कर देते हैं, कभी कभी नहीं आते, वैसे तो आते रहते हैं कभी कभी नहीं आते, उस की रात में चैन की रात हो जाती है। कुछ यहाँ पे लगा लो, एक काम करता हूँ ऊपर भी मंजिल ला लेता हूँ ऐसे 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 ऐसे, एक यहाँ पे तोड़ दो। यार एक तो रात भी बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए गुस्सा आती है। देखो गाइस सुबह तो कोई रह नहीं सकता और वहाँ पे कोई कौन है, वो क्रीपर है और कोई ज़ॉम्बीज है, हमें उनसे पंगे लेने नहीं है लेकिन हम लोग क्रिएटिव में अगर वो पंगे हमसे लेंगे तो हम लोग उनके टांडे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक लगा दो। एक यहाँ पे लगा दो। बस अभी मैं वीडियो बहुत छोटे बना रहा हूँ लेकिन अगली बार अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम आया तो मैं बड़े बड़े वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे काम कर रहा हूँ उसे छोटे वीडियो तो बनेंगे ही। तो हमारा लाइन का घर बन चुका है, तो लाइन टेन ही कर दो, चार लाइन टेन। एक एक यहाँ पे लग सकते क्या, एक और ये। एक काम करता हूँ यहाँ पे अच्छा वो रख देता हूँ, बुक सेल्फ रख देता हूँ। ये बुक सेल्फ नहीं है क्या, बुक्स एक दो तीन चार। लाइब्रेरी के लिए तो हम लोग कुछ भी करेंगे, उनके लिए भी एक वैड बैड ही रखेंगे, ज़्यादा खर्चा उन लोग के लिए भी नहीं करेंगे।
ऐसा ऐसा यहाँ पे रख दो ये। अरे वाह यार, लाइब्रेरी का घर तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। चलो यहाँ पे भी डोल लगा देते हैं। एक घर गेट लगा देते हैं, यही डोर मैं सबकी में लगाने वाला हूँ। ऊपर मैंने खिड़की लगाई नहीं, वो भी लगा देता हूँ। तोड़ना पड़ेगा मुझे। चलो गाइस यहाँ पे लगा देता हूँ। गया थोड़ा सा मैं बीमार पड़ गया, मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ा हूँ। मैंने वह थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, अरे यार मैं पीछे नहीं जा पा रहा, उसकी वजह से थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? अरे वाह, तो खिड़की काम तो हो गया है, इसे तोड़ो। तो गाइस लाइब्रेरी में करता हुआ एकदम से रेडी हो गया है। चलो भाई अब बनाते हैं अपना एक फार्मर का हाउस। तो गाइस ये जो घर है ना वो लास्ट होगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई भी घर का आइडिया आ नहीं रहा है। इसे ये जो घर बना रहा हूँ वो मैं एक लास्ट घर बनाऊंगा। फार्मर के लिए तो हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो गाजरें भी इतनी महंगी महंगी बेचता है, उसके लिए हम खर्चा तो करेंगे ही नहीं। जहाँ चलो जब मान लो कि जितना हम लोग जो बाकी विलेजरों के लिए किया है खर्चा, उतना तो हम लोग इसके लिए कर ही सकते हैं। बेचारा बनना भिखारी पड़ जाएगा और वो बेचारा। और ट्रेनर के लिए तो मैं घर बनाऊँगा ही नहीं। ट्रेनर के घर आता हूँ वो अपने लामा कहाँ पर रखेगा? लामा तो मैं उसके माँ ही डालूँगा। यहाँ पे बेड आराम से आ जाएगा, एक क्राफ्टिंग टेबल भी आ जाएगी एक। अरे यार 22 भी होने लगी, अच्छा 22 हो गई। अरे यार मेरे खेत तो बनाया ही नहीं, मेरे को लगा कि 22 हो गई। हाँ जब मैं खेल रहा था, जब भी मैं कोई वीट फार्म में आता हूँ तब मेरे को कभी भी 22 होती हुई दिखती नहीं, अब अचानक होने लगी 22। ये बहुत ही बुरा हो रहा है यार मेरे साथ, मेरी उंगलियां दर्द करती है खेलते खेलते। लेकिन क्या करूं, मेरे को आज विलेज बना कर ही रहना है। चलो भाई इतना यहाँ पे लगा दो, आज विलेज बनकर रहेगा। आज चाहे आर हो या पार हो, आज विलेज बन के रहेगा। डायमंड हो सीड लगा देता हूँ। सीड्स वेरी सी सीड्स। अरे यार अच्छा मिल गया सीड, नॉर्मल सीड से काम आएंगे। यहाँ पे पानी की सप्लाई कर दो। तो गाइस ये बन गया हमारे बेचारे छोटे मोटे फार्मर का हाउस। तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा और बचा है, उतना भी हम लोग कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई भी मेरे को विलेजर का घर बनाने का सपना आया तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। चलो भाई इतना हो गया। बहुत लोग बनाते हैं बड़े बड़े लोग, तो बड़े बड़े लोग के बस की बात होती है कि वो बहुत अच्छा वीडियो बनाए। वो भी सब्सक्राइबर में तो बड़े बड़े लोग बना ही लेते हैं, जैसे कि हमारे चपाती भाई तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो लोग बहुत अच्छे से लॉग इन चपाती, वो लोग बहुत स्मार्टनेस भी दिखाते हैं और बना भी लेते हैं घर। लेकिन अभी तो मैं खैर अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अभी मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन अभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगा। अंधेरा भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो मतलब तूफान आने वाला है। जो तूफान के आने की पहले की शांति है ब्रो।
जब से टोटल धमाल फिल्म निकली है ना, तब से हमारा जो फ्लैट के जितने भी लोग हैं ना, हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सब एक दूसरे को ब्रो ब्रो कहते हैं। अरे यार ये टूट को जा रहा है। इतना तो हमने बना लिया है, अंधेरा ही हुई, हम लोग सोने नहीं वाले। और जैस इस घर को बनाने के बाद मैं सोऊंगा, फिर आपको सुबह दिखाऊंगा तो ये शायद 22 ही बंद हो जाएगी। चलो भाई, इस फार्मर के घर में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जब तक कोई ज़ॉम्बी स्केलेटन स्पॉन हो गया तो क्या करूँगा मैं। और गाइस, इस विलेज का चीफ मिनिस्टर हूँ मैं, सिर्फ मैं। मेरा कोई भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, इस वर्ल्ड का चीफ मिनिस्टर ही हूँ मैं। अगर किसी ने भी विलेजर्स ने होशियारी की ना मुझसे, तो उसको तो पता ही है कि कृष्णा भाई क्या करेगा, उसको मार देगा, उसको मार के फेंक देगा। और क्या कर सकता है। लेकिन गैस मैं विलेजरों को मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने बेचारे विलेजरों को मार दिया तो क्या पता आप गुस्से में मेरा विलेज ही छोड़ के चले जाए, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं उन्हें मारूंगा नहीं। खैर चलो, छोटे मोटे हैं, मस्ती करेंगे हम, बेचारे विलेजरों का खून नहीं करेंगे। अरे यार मैं तोड़ दिया। चलो यहाँ पे विडन स्टेस लगा देता हूँ बस, फिर हमारा घर एकदम रेडी हो गया है। बस आपको मैं छोटा सा विलेज कैसा लगा आप कमेंट करना, और लाइक भी जरूर कर देना। चार लैंटर्न लगा देता हूँ इसके में भी, सबके घरों में मैं व्हाइट बैडी रखूंगा, किसी की मैं महंगा पीला पीला बैड नहीं रखूंगा। इसके में भी एक क्राफ्टिंग टेबल होनी चाहिए। और हाँ गाइस, मैं एक बात तो भूल ही गया, कंबोस्टर कहाँ या अच्छा मिल गया कंबोस्टर। और क्या रखना, क्राफ्टिंग टेबल तो मैं सबके में रखूँगा, और लाइब्रेरियन के में मैं क्राफ्टिंग टेबल नहीं रखा, तो वो तो मैं बाद में भी रख सकता हूँ। चलो गाइस, कंबोस्टर दो रख देते, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक चलो पीछे रख देते हैं, पीछे एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पर देते, एक यहाँ पे। चलो गाइस, हो गया है हमारा फ्रिज तो एकदम रेडी हो गया है। चलो आप सो जाते हैं और फिर सुबह आके देखते हैं। अरे यार बाईस बंद नहीं हुई, अच्छा हुई। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना विलेज कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।